सब फ्रेंड्स आज हम लोग बात करने लगे हैं कि नो बॉल कैसे कंट्रोल करते हैं, नो बॉल कैसे कंट्रोल करते हैं और आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा पेस कैसे मेट कर सकते हैं। आप लोग ऐसे आते हैं बगैर रनअप लिए बगैर आप लोग बॉलिंग स्टार्ट कर देते हैं, उससे आपको इंजरी भी होती है, आपका नो बॉल भी होता है, पेस भी नहीं निकलती, आपकी हेल्थ भी नहीं बनती। इसलिए आपको मैं सिखाऊंगा पहले तो आपने रनअप कैसे लेना है, ठीक है, रनअप आपने कैसे पूरा करना है, ठीक है। फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि स्पीड अगर आपको अगर ज़्यादा जनरेट करनी है तो आपको पाँव कैसे रखना पड़ेगा, ये बॉल कैसे लेके आना पड़ेगा, ठीक है, और बॉल आपने कैसे पकड़ना है। पहले तो आपको बताता हूँ कि मैं आपने रनअप कैसे लेना है। ये देखो बहुत से कोई चीज़ नहीं थी, घर में बैठे वीडियो बना रहा हूँ। ये देखें ये डब्बा पड़ा है, ये आप समझ लें वो स्टंप्स हैं, ठीक है, आपने समझना स्टंप्स है ये डब्बा, ठीक है। फिर आपने ये रनअप कैसे लेना है, ठीक है, ये स्टंप्स हैं, स्टंप्स आपने ये पाँव की तरफ एक दो तीन चार पाँच, ये पाँच लेके आपने लाइन लगा लेनी है, ठीक है। यहाँ से फिर आगे आपने अपना स्टार्ट करना, आपने यहाँ से आपने और अपने काउंटिंग करनी है, आपने रनअप की आपने कितने कदम रखने, ये कम से कम होता है 21 कदम का, 17 कदम 19 आपने इवन ये ओड नंबर में ही रखना है, इवन में ही लेके आना 17 19 21 23, इस तरह आपने रखना है, ठीक है। फिर वहाँ पर आपने ये अगर निशान लगा लेना, फिर मिलता है फीता, फिर आपने यहाँ पर रख के फीता, फीते के बाद उसके नाप करना है ये कितना बनता है, क्योंकि ये आपको जानने के लिए जरूरी है कि आपने ट्रायलों में जब जाना होता है वो पूछते हैं यहाँ भाई कितना रहना था, फिर आपको 21 कदम ये गलत है, उस वहाँ पे आपने बताना होता है फीट, तो पूछेंगे यहाँ पे कितने फीट है, आप कहेंगे 63 फीट है, कितने फीट है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊँगा आपको पाँव अगर आपने ज़्यादा पेस जनरेट करनी है तो पाँव आपको कैसे रखना पड़ेगा। हम लोग आते हैं बॉलिंग करते हैं टेप ही होते हैं, वो पाँव यूँ रखते हैं, ठीक है, इसी वजह से पाँव यूँ हो जाता है, इंजरी ज़्यादा होती है, पेस ज़्यादा जनरेट होती है, ठीक है। इसके लिए आपने आना है, ठीक है, ये पाँव को ऐसे रखना स्ट्रेट रखें, ये तो कर्व कर लें, वो यहाँ पर जब होगा बोलगा सीधा खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए फिर आपने यहाँ पर आपके बाउंड्रीज रख के इसको जोर से मारना है, ठीक है, जितनी आप जोर से पाँव मारेंगे जोर से बाजू खींचेंगे उतनी तेज जो है ना बॉल की स्पीड आपकी होगी। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि बाउंसर कैसे मारना है, ठीक है, बाउंसर के लिए ये है कि आप तेज बाउंसर कैसे मारना है। आपने बॉल ली है, ठीक है, आमतौर पर आपने हल्की सी भी सख्त रखनी है कलाई ना, अगर आपने बॉल तेज करना है तो हल्की सी कलाई तेज सख्त रखनी, बाउंसर के लिए कलाई थोड़ी सी ढीली छोड़नी है, ठीक है, और जहाँ पर बाउंसर मारना है उस जगह पर आई जो बिल्कुल वहीं पर आपने देखना है, ये नहीं कि आप भाग रहे हैं, आप रनअप की तरफ देख रहे हैं, बॉल अच्छी नहीं होगी, लेंथ नहीं सही होगी, आपने जिधर बॉल करना है उधर देखना है, ठीक है। बाउंसर आपने तेज कैसे मारना है, बाउंसर जब आपने बॉल देना है ना तो बॉल को हल्का सा ना तोड़ मारना है, तो बाउंसर मारने के लिए पहले तो आपकी बॉल की ग्रिप आपने सही पकड़नी है, ठीक है। उसके बाद जहाँ पर जो आप पता है ये ठप्पा लग सकता है आपका, यहाँ से ज़्यादा अगर ठप्पा लगता है वहाँ पर आपने थोड़ा सा थूल मारना है ताकि बॉल लग के स्किट हो, तेज हो, ठीक है। उसके बाद आपने बॉल कैसे करना है, ये नहीं भाई बाउंसर आए आम बॉल की तरह बाउंसर फेंकना है, ये बाउंसर नहीं लगना है, उसके लिए आपको फुल ताकत से या आगे फुल यानी कि फुल आपने कमर का जोर लगाना है, बाजू का जोर लगाना है, पाँव का जोर लगाना है, ठीक है, फिर बाउंसर लगेगा, फिर अगर बैट्समैन को भी पता चलेगा भाई बॉलर है बॉल करने वाला, ठीक है। ये टिप्स थी, ये सब कुछ था जिससे आप अपना रनअप डिसेस कर सकते हैं, नो बॉल पर कंट्रोल कर सकते हैं, बाउंसर मार सकते हैं। आप इन चीज़ों को फॉलो करो, इंशाल्लाह आप लोग कामयाब होंगे।